हेलो एवरीवन, लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को आज ख़त्म करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, बच्चा बताया था मैंने लास्ट टाइम आपको, क्रॉस प्रोडक्ट क्या था? क्रॉस प्रोडक्ट था ए क्रॉस बी, दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन, क्या बताया था मैंने आपको, ठीक है। ये तो क्या था मेरे पास, ए ए क्रॉस बी का मॉड था, यानी लेंथ थी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी यानी लेंथ ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली दो वेक्टर है ए और बी, उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो उसको करने के बाद एक वेक्टर मिल रहा है, उसका नाम क्या है, ए क्रॉस बी। अब वो भी वेक्टर है ए क्रॉस बी, उस ए क्रॉस बी की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, वो होगी मेरे पास मॉड ऑफ ए, मतलब ए की लेंथ इंटू बी की लेंथ इंटू साइन ऑफ थीटा, ये उसकी लेंथ होगी। और उस ए क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो किससे निकलेगी, एन कैप से निकलेगी, बताया था लास्ट टाइम मैंने आपको, ठीक है। अब एन कैप निकालने के लिए मैंने क्या बोला था आपको, कि राइट एंड स्क्रू रूल यूज करेंगे या राइट एंड थंब रूल यूज करेंगे। तो वो क्या था, मान लो मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है, तो मैं एक वैक्टर ले लिया मैंने और ये बी वैक्टर ले लिया, इनको अरेंज कर लिया, ठीक है जी। अब मैंने क्या बोला था कि मुझे राइट हैंड लेना है, राइट हैंड लूँ किसकी तरफ, फर्स्ट वेक्टर की तरफ लूँ, और उस राइट हैंड को रखा फर्स्ट वेक्टर की तरफ और उंगलियाँ पूरी घूमनी चाहिए किसकी तरफ, सेकंड वेक्टर की तरफ। तो जो थंब जो पॉइंट करेगा मेरे पास वो क्या होगा, मेरे पास ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। तो ऐसे मैंने किया था, ये बोर्ड के बाहर आ रही है। और मैंने बताया था आपको बेसिकली दो डायरेक्शन दी थी मैंने आपको, एक तो डॉट बताया था मैंने आपको और एक बताया था मैंने क्रॉस आपको, ठीक है। डॉट क्या था, बोर्ड से बाहर था, अगर एरो बाहर आ रहा है, इस बोर्ड से तीर बाहर निकल रहा है ऐसे, तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। अंदर जाएगा तो तीर के पीछे ऐसे क्रॉस बना होता है। तो ये तो क्या है, आउटवर्ड, आउटवर्ड फ्रॉम बोर्ड एट 90 डिग्री, ये इनवर्ड, क्रॉस मतलब बोर्ड के अंदर जाएगा और डॉट मतलब बोर्ड के बाहर जाएगा, ठीक है। ये बात मैंने बताई थी लास्ट टाइम आपको, ठीक है। अब थोड़े और चर्चा करते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं बात करूं आपसे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की, ए क्रॉस बी की बात करूं और बात करूं किससे, बी क्रॉस ए की बात करूं मैं, ठीक है। तो इन दोनों में बेसिकली ए क्रॉस बी डिफाइन कैसे होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा, थीटा क्या था, एंगल बिटवीन ए एंड बी, इंटू एन कैप, ठीक है। अगर बात करूं मैं किसकी, बी क्रॉस ए, तो ये भी क्या आएगा, मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, ठीक है। तो देखो इस पोर्शन को देखो, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसमें भी थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए वैक्टर एंड बी वैक्टर। यहाँ पे भी थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वैक्टर एंड बी वैक्टर, मानते हो बच्चों, मॉड ए मॉड बी दोनों में सेम है। तो ये जो पोर्शन बताया था मैंने, ये क्या था, ये था ए क्रॉस बी का मॉड, मतलब ए क्रॉस बी वैक्टर की लेंथ थी, और ये क्या होगी, बी क्रॉस ए वैक्टर की लेंथ होगी। तो लेंथ ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर एंड लेंथ ऑफ बी क्रॉस ए वेक्टर दोनों सेम है, ठीक है। तो मैं बात करूं मॉड ऑफ ए क्रॉस बी यानी लेंथ ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, ठीक है, उसकी लेंथ और बी क्रॉस ए की लेंथ, दोनों की लेंथ तो बराबर होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या, इसका एन कैप अलग आएगा, इसका एन कैप अलग आएगा, कैसे शो करता हूं देखो। मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो पहले मुझे क्या निकालना है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, यानी ये निकाल रहा हूँ एन कैप, फिर इसका एन कैप निकालूंगा, ठीक है। तो मेरा रूल क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड लिया, कहाँ प्लेस करूँ, फर्स्ट वेक्टर पे, उंगलियाँ कहाँ घूमनी चाहिए, सेकंड वेक्टर पे, तो जो बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन तो डॉट आ रही है, डॉट मतलब बाहर की तरफ, बोर्ड से बाहर। अब बात करूँ किसकी, बी क्रॉस है, तो मेरे को उंगलियाँ कहाँ, मतलब हाथ कहाँ रखना, राइट हैंड कहाँ रखना है, बी फर्स्ट वेक्टर कौन सा मेरा, ये बी है, यहाँ रखा, उंगलियाँ नहीं घूम रही, इसका मतलब हथेली गलत रखी हुई है। तो हथेली या तो ऐसे रखो या ऐसे रखो। अब हथेली ऐसे रख दी मैंने, ऐसे रख दिया, अंगूठा दिख रहा है ना पीछे आपको,
ऐसे रखी बी पे, उंगलियां पूरी घूम रही है किस में, ए की तरफ, तो ये अंदर आ रहा है, तो बी क्रॉस ए की तरह आ रहा है, अंदर आ रहा है मेरे पास। तो देखो यहां तक का पोर्शन दोनों में सेम है, ए क्रॉस बी का और बी क्रॉस ए का। इसका मतलब क्या है, ए क्रॉस बी वैक्टर और बी क्रॉस ए वैक्टर दोनों की लेंथ तो सेम आएगी मेरे पास, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट आएगी। अगर एक की लेंथ ऐसे बाहर आ रही है तो एक की लेंथ अंदर जा रही है ऐसे, ठीक है बच्चा। तो दोनों की लेंथ तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब बताओ तुम्हें, जैसे बताया था मैंने आप लोगों को कि अगर एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर बिल्कुल सेम लेंथ का है और अपोजिट है, तो उसे क्या बोलता था मैं, माइनस ए बोलता था, याद है वेक्टर डेफिनेशन थी, नेगेटिव वेक्टर बताया था मैंने, लेंथ तो इक्वल रहती है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। इसका मतलब क्या है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की लेंथ तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब यह है कि ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, मतलब एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर है। यही डेफिनेशन थी मेरी, ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर की लेंथ तो बराबर होनी चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। तो याद रहेगा ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। दो पॉइंट याद रखो, देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों की लेंथ तो सेम है क्योंकि दोनों वेक्टर है मेरे पास, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, एक बाहर है तो एक अंदर आएगा, ठीक है। तो वेक्टर की टर्म में बात करूं तो ए क्रॉस बी इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, याद रहेगा बच्चा। इसे बोलते हैं हम एंटी कमोटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं, एंटी कमोटेटिव, बता देता हूं एंटी कमोटेटिव। ठीक है, देखो एंटी मतलब, देखो पहले बात कही डॉट प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में देखा था हम लोगों ने क्या कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए था, मतलब इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, पहले किसको लेके आ रहे हैं, पहले ए को लेके आ रहे हैं या पहले बी को लेके आ रहे हैं, उसमें मैटर नहीं करता था। यहां मैटर करता है कि पहले ए को लिख रहा हूं या बी को लिख रहा हूं। तो अगर ये चीज फॉलो करता है ऐसे, ऑर्डर मैटर ना करे, तब तो क्या होता है, कमोटेटिव लॉ। और अगर फॉलो ना करे और नेगेटिव हो तो क्या बोलता हूं मैं, एंटी कमोटेटिव लॉ। इसका मतलब क्या है, ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है बच्चा, यहां तो समझ में आया। डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, आउटपुट स्केलर मिलता है। क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो आउटपुट क्या मिलता है मेरे को, वेक्टर मिलता है। उस वेक्टर की लेंथ क्या होगी, ये डायरेक्शन कौन देगा, यूनिट वेक्टर, ठीक है, एन कैप। यहां तक समझ में आया, डायरेक्शन किससे निकालेंगे हम लोग, राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे, ठीक है। अब मैं कुछ डायरेक्शन निकालना सिखा देता हूं आपको, कैसे निकालते हैं आई जे वाला फंडा, एक शॉर्ट ट्रिक सिखा देता हूं, बार बार हाथ घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। चलो देखो, आपको अगर मैं पूछ रहा हूं, जैसे मान लो मैंने लिखा I क्रॉस J की डायरेक्शन क्या आएगी, J क्रॉस I की डायरेक्शन क्या आएगी, ठीक है, और J क्रॉस K की डायरेक्शन क्या आएगी, K क्रॉस I की डायरेक्शन क्या आएगी, ऐसे बहुत सारे सवाल बन जाएंगे, ठीक है जी। या I क्रॉस K की डायरेक्शन क्या आएगी, या माइनस I क्रॉस माइनस जे की डायरेक्शन क्या आएगी, ऐसे कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे। इनको सॉल्व कैसे करें, हाथ घुमाते रहेंगे पागल हो जाएंगे हम लोग, तो हमें एक शॉर्ट ट्रिक चाहिए, ठीक है जी। तो वो शॉर्ट ट्रिक सिखा देता हूँ मैं, वो कैसे, देखो आपको क्या ड्रॉ करना है, आई जे के ड्रॉ करना है, ऐसे आई लिखो, जे लिखो और के लिखो, ऐसे तीन लिख लो ट्राइंगल की तरह लिख लो उसको, ठीक है जी। अब क्या करो, आई से ऐसे एरो बनाओ, जे से के बनाओ और के से आई बनाओ। इसकी सेंस कैसी है बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। बना दिया हमने एंटी क्लॉकवाइज। अब उसको याद करने का तरीका कैसे, देखो एरो जहां स्टार्ट हो रही है, कहां स्टार्ट हो रही है एरो, यहां स्टार्ट हो रही है, आई पे स्टार्ट हो रही है, आई से कहां जा रहे हैं, जे। तो इस एरो को देखो, तो जहां स्टार्ट हो रही है वहां लिखो आई, एंड कहां हो रही है, जे कैप पे, तो आई कैप क्रॉस जे कैप, पहला एरो देख लिया हम लोगों ने, तो आई क्रॉस जे कर रहे हैं, तो जो मिलेगा वो नेक्स्ट एरो मिलेगी, नेक्स्ट एरो मतलब क्या है, के। तो आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या आएगी, के। मैं समझा भी देता हूं कैसे, देखो हम लोग ड्रॉ करते थे, ये एक्स एक्सिस होता था, ये मेरा वाई होता था, और जेड क्या होता था, पॉजिटिव जेड बाहर, मतलब प्लस के कैप बाहर बोर्ड से, और माइनस के कैप अंदर, बोर्ड के अंदर 90 पे। तो मैंने क्या करना है, आई क्रॉस जे करना है, तो आई तो किसके अलॉन्ग होता है मेरे पास, एक्स के अलॉन्ग होता है, और जे किसके अलॉन्ग होता है मेरे पास, वाई के अलॉन्ग।
तो आई क्रॉस जे, हथेली रखी कहाँ पे? आई पे, उंगलियां घुमाई किधर? जे पे। तो आंसर क्या आया मेरे पास? के कैप आया। ठीक है, तो क्या करना है बच्चा, जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो ना, जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो क्या करोगे, पहले वाला यहाँ से भाई फर्स्ट एरो कहाँ पे है? एरो यहाँ पे है, आई पे। कहाँ जा रही है? जे पे। तो आई क्रॉस जे करो, आउटपुट क्या आएगा? नेक्स्ट एरो वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब मान लो ये वाला एरो देख रहा हूँ मैं, तो स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है? जे पे। एंड कहाँ पे हो रहा है? के पे। तो इसका मतलब क्या है? जे क्रॉस के, जे क्रॉस के। तो आउटपुट क्या आएगा? आई, ऐसे। ठीक है, अब इस एरो को देखूँ, स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है? के पे। जा कहाँ रहा है? आई पे। तो क्या करूँगा मैं? के, के कैप क्रॉस आई कैप। नेक्स्ट एरो कहाँ जा रहा है? जे पे। तो ऐसे आप आंसर निकाल सकते हो बच्चा। हाँ ना, बोलो, पक्की बात है? अब देखो, अब आप जानते हो मेरे को, मैंने बताया था आपको ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, अभी प्रूव किया हमने, एंटी कमोटेटिव लॉ प्रूव किया, देख लो। ठीक है, तो मुझे आई क्रॉस जे पता है, और आपसे कोई पूछ ले कि बता भाई जे क्रॉस आई निकाल, आई क्रॉस जे मतलब ये ए मान लूं, ये बी मान लूं, तो ये ए क्रॉस बी है, तो ये क्या है? बी क्रॉस ए। तो दोनों नेगेटिव होते हैं, तो अगर ए क्रॉस बी की वैल्यू ये आ रही है तो उससे नेगेटिव आएगी, तो वो क्या आएगी? माइनस के कैप। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। देखो सुनो, आई कैप और जे कैप, ठीक है, इसको मैं ए मान लूँ यहाँ पे, इसको बी मान लूँ, तो आंसर क्या आया मेरा? सी आया। मान लो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आई मेरे पास? सी वेक्टर आ गई। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? जे क्रॉस आई, क्या है? जे क्रॉस आई है मेरे पास। तो जे तो क्या है? बी है, और आई क्या है मेरा? ए है। तो यहाँ पे क्या है? ए क्रॉस बी बन रहा है मेरा, और यहाँ क्या बन रहा है? बी क्रॉस है। अब मुझे पता है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में नेगेटिव का साइन होता है, तो अगर ए क्रॉस बी की वैल्यू के कैप है, तो बी क्रॉस ए की वैल्यू क्या होगी? माइनस के कैप। ठीक है, एक दूसरे के क्या होते हैं? ये नेगेटिव होते हैं बच्चा। ठीक है, आया समझ में? चलो देखते हैं। चलो ये नोट कर लो बच्चा, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज प्लस आएगा। एक और मैं रूल सिखाता हूँ आपको, फिर सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे इससे क्रॉस प्रोडक्ट वाले। देखो, एक तो डायग्राम ये बन गया एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज चलें तो क्या आएगा वो भी बताता हूँ। देखो, आई लिखा आपने, जे कैप लिखा और के कैप लिखा, अभी कैसे चले हम लोग? एंटी क्लॉकवाइज। अब चलेंगे कैसे? क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चा, तो अब यहाँ पे मैंने प्लस लगाया था, यहाँ मैं क्या लगाऊंगा? माइनस। बता रहा हूँ माइनस क्यों आएगा। देखो, रूल वही है, एरो स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है? आई पे। तो आई से कहाँ जा रहा है? के पे। तो क्या लिखूंगा मैं? आई कैप क्रॉस के कैप लिख दिया। एक एरो से डिसाइड कर लो किन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट वाला एरो क्या देगा मुझे? आउटपुट देगा। तो आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू जे लिख रहा है, लेकिन मैंने यहाँ क्या लगाया? नेगेटिव। वहाँ मैंने पॉजिटिव लगाया था, तो मैंने सब में पॉजिटिव लिखा था। अब जो नेगेटिव मैंने लिखा हुआ ना, तो क्या आएगा? माइनस, माइनस लगाओ और ये वाला आउटपुट, तो जे कैप आ जाएगा। अब बात करता हूँ इस एरो की, बात करता हूँ ये एरो स्टार्ट कहाँ हो रहा है? जे पे स्टार्ट हो रहा है। एंड कहाँ पे हो रहा है? आई पे। इसका मतलब प्रोडक्ट किसका लेना है मुझे? जे का और आई का लेना है, तो जे कैप क्रॉस आई कैप। तो एक एरो से डिसाइड करो कि बेसिकली किसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सीक्वेंस में, लेकिन जे पहले आ रहा है फिर के आ रहा है, क्योंकि सीक्वेंस बदलोगे तो नेगेटिव हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो जे क्रॉस आई कैप। नेक्स्ट एरो कहाँ जाए? के पे, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? नेगेटिव। तो आंसर क्या आएगा? माइनस के कैप। तो ऐसे आपको यूज़ करना है इस चीज़ को। ठीक है बच्चा, अब मैं आपको रैंडमली कुछ ही पूछ लूँ तो बता दोगे आप? जैसे मान लो पूछता हूँ आपसे के कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू क्या आएगी? के कैप क्रॉस जे कैप, तो के से हमें कहाँ जाना है? जे पे जाना है। ठीक है, तो के से जे हम कहाँ जा पाएंगे? इससे जा पाएंगे क्या? नहीं, इससे तो जे से के जा रहे हैं हम लोग। अगर ये वाला देखूँ मैं फिगर, तो जे से के जा सकते हैं एरो देखो। तो के से जे किस में जा रहे हैं? इससे जा सकते हैं हम, के से जे इस एरो से। तो ये वाला एरो यूज़ करना है, के से जे। ठीक है, अब आउटपुट क्या आ रहा है इसका? आई, लेकिन नेगेटिव है, तो वैल्यू क्या आएगी? माइनस आई के। ठीक है, ऐसे यूज कर सकते हो बच्चा, या और प्रैक्टिस कराऊँ? चलो करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस और करते हैं। ठीक है, अब मान लो मैंने लिखा आपसे
अभी तो ये हरे पॉजिटिव की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है जी। मैंने लिखा माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप, ये लिख दिया मान लो मैंने। सर माइनस तो कहीं दिया ही नहीं आपने, माइनस तो कहीं दिया ही नहीं, तो माइनस को अगर भूल जाओ, माइनस को एक बार भूल जाओ। अगर मैं पूछा आपसे माइनस जे क्रॉस आई कैप पूछ लिया, तो एक बार माइनस को साइड में रख लो और देखो क्या है, जे क्रॉस आई आ रहा है, जे क्रॉस आई तो यहां से आ रहा है जे क्रॉस आई, यहां से तो पॉसिबल नहीं, यहां तो आई क्रॉस जे आता है, एरो देखो आई से जे जा रहा है मेरे पास, यहां एरो कहां जा रहा है, जे से आई जा रहा है। तो नेगेटिव को एक बार साइड में रख लो, मान लो यहां याद रख लो कि हाँ नेगेटिव साइन था इसमें माइनस जे के साथ में, ठीक है। तो पहले क्या निकालेंगे, जे क्रॉस आई निकालेंगे, वो जो आंसर आएगा उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जे क्रॉस आई पहला एरो कहां पे है, जे पे, मतलब यहां स्टार्ट हो रहा है और एंड कहां पे हो रहा है, आई पे। तो जे क्रॉस आई जा कहां रहा है, के पे जा रहा है, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव के, क्योंकि नेगेटिव है मेरे पास यहां पे, नेगेटिव के तो आ गया, लेकिन इस माइनस का भी तो ख्याल रखना हमें, तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस के कैप। नहीं आया, एक और करते हैं। देखो अगर मैं बात करूं, मान लो आपसे बोलूं माइनस के क्रॉस आई कैप, माइनस के क्रॉस आई कैप पूछा हूं मैं आपसे, ठीक है। तो कैसे करोगे बच्चा इसे, देखो पहले नेगेटिव को साइड में रख लो एक बार, नेगेटिव को यहां मान लो कि हाँ नेगेटिव यहां है, पहले इसको निकालते हैं। तो के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई किससे पॉसिबल है, इससे पॉसिबल है या इससे पॉसिबल है, इससे तो के से जे जा रहा हूं और यहां आई से के जा रहा हूं, के से आई नहीं जा रहा हूं, तो यहां जा रहा हूं मैं के से आई, तो के से आई जा रहा हूं, आंसर क्या आएगा, जे विद अ पॉजिटिव साइन, तो लिख लो प्लस जे कैप, प्लस जे कैप लिख लिया। लेकिन अब इस नेगेटिव का ख्याल रखना है, तो जो भी ये वैल्यू आई थी उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, माइनस जे कैप। इतनी बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पल्ले पड़ रही है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया बच्चा, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या सिखाया, डायरेक्शन निकालना सिखाया किसकी, एन कैप की, ठीक है। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जो है, आई को जे से करूँ या जो भी कॉम्बिनेशन बन जाए, आई को जे से, जे को के से या के को जे से, जो भी करना है, ठीक है, उन सब का शॉर्ट ट्रिक मैंने सिखा दिया, बार बार हाथ घुमाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चा। चलो वैसे आप रूल जानते हो, राइट हैंड थंब रूल जानते हो, पहले वेक्टर पे राइट हैंड प्लेस करो, पाम ऐसे रखो, या तो पाम ऐसे रखनी पड़ेगी या ऐसे, बस शर्त क्या है, दूसरे वेक्टर की तरफ उंगलियां पूरी घूमनी चाहिए, पूरी नहीं घूम रही हैं तो हथेली पलट दो, ठीक है, फिर घुमाओ। इतनी बात पल्ले पड़ रही है भाई सबको, देख लो भाई। तो मैंने अभी प्रॉपर्टी क्या देखी है, बेसिकली एक ही प्रॉपर्टी देखी है मैंने, एंटी कमुटेटिव लॉ, ठीक है। अब दो तीन प्रॉपर्टी हैं इसकी जो याद रखनी है, मैंने बताया था आपको, कल भी बताया था शायद मैंने आपको, कि अगर एक ए वेक्टर है, सवाल बहुत पूछते हैं इस पे, इस प्रॉपर्टी पे, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, अब ए क्रॉस बी कर रहा हूं, तो आपको हमेशा याद रखना बच्चा, ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, ठीक है, उसकी लेंथ तो क्या होती है, मॉड ए, मतलब ए की लंबाई बी की लंबाई इंटू साइन थीटा, इतनी तो लंबाई है, साथ में क्या आता है, एन कैप, ठीक है। अब ये एन कैप निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से, ए क्रॉस बी, ए पे हथेली रखी, उंगलियां पूरी घूम रही हैं किस पे, बी, तो बाहर आ रहा है मेरे पास। तो मान लो ये मार्कर है, ये एन कैप है, ये मार्कर पूरे बोर्ड से 90 पे है, मानते हो, तो ये मार्कर ए से भी 90 पे है और बी से भी 90 पे है। अब वो आपसे क्या सवाल पूछता है कि बताओ, सुनो पहले क्वेश्चन सुन लो, वो पूछेगा आपसे कि एक ऐसा वेक्टर बताओ जो ए से भी 90 पे है और बी से भी 90 पे, फाइंड अ वेक्टर विच इज एट 90 डिग्री टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो आपको पता है कि ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर है जो ए से भी 90 पे है, देखो यहां पे मेरे पास है, तो ये ए से भी 90 बना रहा है और बी से भी, ठीक है। तो याद रखना है कि ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर है जो किस पे है, एट 90 डिग्री टू ए एंड बी। अब वो सवाल क्या पूछता है, देखो वो पूछता है जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, नीट में आएगा सवाल, करा देता हूं। देखो एक बात बताओ मुझे, ए डॉट बी करता था, मान लो ए डॉट बी, तो फॉर्मूला क्या होता था, मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस ऑफ थीटा।
तो ए डॉट बी जीरो कब आता था सोचो, ए डॉट बी जीरो कब आता है, जब ये कॉस थीटा जीरो हो जाए मेरे पास, और कॉस थीटा जीरो कब होता है, थीटा इक्वल टू 90 पे, तो थीटा अगर 90 है मेरे पास तो क्या बन जाएगा, मेरे पास जीरो बन जाएगा डॉट प्रोडक्ट। अब मुझे पता, देखो अगर मैं डॉट लूं किसका, देखो ए वेक्टर का डॉट ले रहा हूं मैं किससे, ए क्रॉस बी से। अब देखो एक तो वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर क्या है, ए क्रॉस बी। ए वेक्टर और ए क्रॉस बी में कितना एंगल है, 90 डिग्री, और क्या ले रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं। अब देखो दो वेक्टर है, एक तो ए क्रॉस बी और एक ए वेक्टर, इन दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और दो वेक्टर जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो। तो ये ऑब्जेक्टिव में सवाल था कि क्या आएगा इसका एक्सप्रेशन, तो ए डॉट ए क्रॉस बी भी जीरो आएगा। सिमिलरली बात करूं मैं बी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी करूं, अब देखो मेरा दो वेक्टर है, एक तो बी वेक्टर है, दूसरा वेक्टर कौन सा है, ए क्रॉस बी है। मुझे पता है कि बी और ए क्रॉस बी में भी क्या होता है, 90 डिग्री होगा हमेशा, तो इन दोनों में भी कितना एंगल है, 90 डिग्री, और डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं, दो वेक्टर में अगर एंगल 90 और डॉट प्रोडक्ट लूं तो एंगल वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो। तो ये पूछ चुके हैं भाई एग्जाम में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए क्रॉस बी एक वेक्टर है जो ए से भी 90 पे है और बी से भी 90 पे, इस प्रॉपर्टी बहुत बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा है बच्चा, ध्यान रखना ठीक है। यहां तक समझ में आ गए, पक्की बात है, चलो हो गया, चलो नोट कर लेना बच्चा ये, ठीक है। यहां तक कोई तकलीफ, तो पहली प्रॉपर्टी मैंने बता दिया आपको कि ये एंटी कमोटेटिव है, मतलब क्या है, ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। सेकेंड प्रॉपर्टी जो मैंने बताई है आपको वो क्या बताई है, कि ए क्रॉस बी ए से भी 90 पे होगा और बी से भी 90 पे होगा, इतनी बात पल्ले पड़ रही है सबको। चलो आगे देखते हैं बच्चा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है। देखो कैसे, मान लो मेरे पास एक सी वेक्टर है, ठीक है, सी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं किससे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से, यहां पे क्या हो रहा है, एडिशन, तो मैं क्रॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं किस पे, सी को बांट रहा हूं किस पे, एडिशन पे, तो क्रॉस को बांट रहा हूं किस पे, एडिशन पे। तो सिंपल जैसे मैथ्स में करते आए हो आप लोग वही होगा क्या, सी को पहले ए से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो क्या आएगा, सी क्रॉस ए, क्रॉस को बांट रहा हूं कहां पे, एडिशन पे, तो सी को ए से प्लस फिर सी बी से। लेकिन ध्यान रखना बच्चा, आप मैथ्स में सिंपल कर सकते हो, ए इंटू सी कर सकते हो, लेकिन यहां पे सी क्रॉस ए ही आएगा, क्योंकि ए क्रॉस सी और सी क्रॉस ए दोनों इक्वल नहीं होते, दोनों अपोजिट होते हैं, तो ध्यान रखना सी इधर है मेरे पास ना, तो हमेशा सी लेफ्ट में आएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे नहीं ले सकते, ए क्रॉस सी नहीं लिख सकते, सी लेफ्ट में है तो लेफ्ट में रहेगा, सी क्रॉस ए आएगा और सी क्रॉस बी आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्यों, किसके ऊपर, एडिशन के ऊपर, ये इसकी प्रॉपर्टी है, कोई खास बात इसमें नहीं है बच्चा, ठीक है, सिंपल है, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में रहेगा, राइट में होगा तो राइट में, जैसे मान लो ये लिखा मैंने, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखा मैंने, तो अब देखो सी राइट में आ रहा है तो क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको मैंने, तो ये क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। ये होता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये होता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सिंपल कॉमन सेंस मैथ्स वाला फंडा है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, अगर सी लेफ्ट में आ रहा है तो लेफ्ट में रखो हमेशा, सी राइट में आ रहा है तो हमेशा राइट में रखो, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है किसमें, क्रॉस प्रोडक्ट में। यहां तक कोई तकलीफ बच्चा आपको, ठीक है। अब सुनो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं फटाफट फटाफट, ठीक है। देखो क्या, अगर मैं बात करूं आपसे ए क्रॉस ए, ठीक है, तो देखो ए क्रॉस बी की डेफिनेशन क्या होती है बच्चा, मेरे पास मॉड ए मॉड बी,
तो पहले बात कर लेता हूँ मैं, जैसे मान लो ए क्रॉस बी की फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, वो आएगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप आता है। ठीक है, अब देखो ए क्रॉस ए तो पहला वेक्टर भी ए है, दूसरा वेक्टर भी ए है, तो यहाँ भी क्या आएगा मॉड ए इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। अब सिंपल सवाल है, ये एंगल किसके बीच में, ए और ए के बीच में, मेरे और मेरे बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री, सिंपल सी बात है। तो अब बताओ थीटा तो मुझे पता लग गया कि 0 डिग्री है, अगर दो सेम वेक्टर के बीच में एंगल पूछा हो तो हमेशा क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक है, थीटा 0 दे रखा है आपको, ठीक है, तो साइन 0 कब होता है, साइन थीटा 0 कब होता है, थीटा या तो 0 हो या 180 हो, या तो दोनों वेक्टर ऐसे हों पैरेलल हों, या दोनों वेक्टर कैसे हों एंटी पैरेलल। जब पैरेलल होंगे तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री, जब एंटी पैरेलल हो तो क्या होंगे मेरे पास, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगा, मानते हो बच्चा इस चीज को, अरे हाँ ना बोलो। ठीक है, तो ए क्रॉस ए यहां पे क्या आएगा, साइन 0, अब हम जानते हैं साइन 0 क्या होगा, 0 होगा, तो ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब एंटी पैरेलल केस कैसे बनेगा, अगर मान लो मैं बोलता हूं कि दो वेक्टर, जैसे मान लो ए और माइनस ए ले लूं, ए और माइनस ए, अगर ये ए वेक्टर है तो ये क्या होगा, माइनस ए वेक्टर, तभी एंटी पैरेलल बनेंगे मेरे पास। तो ए क्रॉस माइनस ए क्या आएगा, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ माइनस ए इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। अब मुझे पता है ए और माइनस ए में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, तो यहां पे क्या आएगा, साइन 180 डिग्री। अब मैं जानता हूं साइन 180 डिग्री क्या होता है मेरे पास, 0 होता है, तो फिर से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा मेरे पास। तो बच्चा आपको बोलेगा कि शो कर दो कि दो वेक्टर, शो कर दो कि दो वेक्टर मेरे पास पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं। तो आप क्या करोगे, अगर वो बोल रहा है शो दैट टू वेक्टर्स आर पैरेलल, या तो वो ये पूछेगा आपसे, या बोलेगा कि शो दैट टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, दो वेक्टर दे देगा और पूछेगा आपसे कि बताओ बच्चा कि शो कर दो कि ये पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट से हम प्रूव कर सकते हैं, अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, अगर दो वेक्टर है मेरे पास ए क्रॉस बी, अगर 0 आ रहा है इसका मतलब या तो ए और बी पैरेलल हैं या ए और बी एंटी पैरेलल हैं। आई एम नॉट श्योर कि वो एंटी हैं या पैरेलल हैं, बट एक चीज तो पक्का होगा मेरे पास कि ए क्रॉस बी 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ए और बी पैरेलल है या ए और बी एंटी पैरेलल है। ठीक है बच्चा, याद रहेगा, पक्की बात है। डॉट प्रोडक्ट से क्या करते थे हम, शो करते हैं कि दो वेक्टर, अगर मान लो ए डॉट बी 0 आ रहा, दो चीजें, ए डॉट बी 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है, ए और बी में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और अगर ए क्रॉस बी 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है, या तो ए और बी पैरेलल है या ए और बी एंटी पैरेलल है। ठीक है बच्चा, आया समझ में, तो याद रहेगा दो सेम वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगा, 0 देगा, और दो एंटी पैरेलल में भी और पैरेलल में भी। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि देखो 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि डिपेंड कर रहा है साइन पे, और साइन की प्रॉपर्टी क्या है, जब थीटा 0 हो या 180 हो तो साइन 0 होता है, और ये वाली टर्म वैनिश कर जाएगी तो पूरा क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है बच्चा, चलो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पढ़ते हैं हम लोग। यहां तक कोई तकलीफ किसी भी प्रॉपर्टी में, दो तीन प्रॉपर्टी पढ़ी है हम लोगों ने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कमुटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, और हमने बात की थी 90 डिग्री वाले, भाई ए और बी के 90 पे हैं बेसिकली। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रोफाइल बनती है बच्चा मेरे पास, वो क्या बनती है कि ए क्रॉस बी निकालें कैसे। ठीक है, जैसे मान लो हमने किया था, याद है आपको, ए वेक्टर लिया था हम लोगों ने, उसको लिखा था ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, ठीक है, ये लिखा था हम लोगों ने, और बी वेक्टर को लिखा था हम लोगों ने बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप लिखा था, और हमने ए डॉट बी निकाला था, याद आ रहा है, ए डॉट बी को क्या लिखा था, आई वाले को आई से करते थे, तो क्या आता था मेरे पास ए वन बी वन
जे वाले को जे से, तो क्या आता था, ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री आता था मेरे पास, ये याद है। तो ऐसे ही फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, फॉर्मूला ड्राइव करते हैं किसके लिए, ए क्रॉस बी के लिए। बहुत इजी है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करेंगे हम लोग उसको। तो मान लो आपको ये ए वेक्टर दे रखा है ऐसे, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, और बी वेक्टर दे रखा है क्या आपको, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। अब ए क्रॉस भी निकालना है मेरे को, तो जो स्टेप्स बता रहा हूँ वो फॉलो करना, बड़े इजीली आ जाएगा। दो तीन एग्जाम्पल करा दूंगा ताकि फील आए, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है बच्चा, आपको आई कैप लिखना है जब भी आपको, मान लो मुझे निकालना है ए क्रॉस बी निकालना है, मान लो ए क्रॉस बी मुझे इवेल्युएट करना है। अगर वेक्टर एक्सप्रेस कर रखा है किसमें, आई जे के की टर्म में वेक्टर एक्सप्रेस कर रखा है मैंने, और मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ वो फॉलो करना। पहले लिखो आई कैप, फिर लिखो जे कैप, फिर लिखो के कैप, ठीक है। फिर लिखो प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, स्टेप्स फॉलो करो, ठीक है जी। पहले प्लस लिखना है, फिर माइनस, फिर प्लस, तो ऑल्टरनेट में लिखना है हमें, स्टार्ट प्लस से करना है। अब पहला वेक्टर कौन सा है, ए कैप, ए दे रखा है मुझे, तो ए के कॉफिशेंट लिखूँ। ए का कॉफिशेंट, आई का कॉफिशेंट क्या है, ए वन, तो पहले ए लिखना है। आई के नीचे क्या आएगा, ए वन आएगा। जे के नीचे जे वाला कॉफिशेंट, ये क्या आ गया, ए टू आ गया मेरे पास। और के नीचे क्या आएगा, के का कॉफिशेंट आ जाएगा, मानते हो बच्चा, ठीक है। अब बी को लिखना है, तो आई के नीचे आई वाला कॉफिशेंट, जे के नीचे जे वाला कॉफिशेंट, किसका, बी का, और के नीचे किसका, के वाला कॉफिशेंट, बी का, समझ में आ गया। तो पहली चीज क्या लिखना है, आई लिखना है, जे लिखना है, के लिखना है। सेकंड स्टेप क्या है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस लिखना है, प्लस माइनस प्लस। फिर जो पहला वेक्टर है उसके कॉफिशेंट लिखो, आई के नीचे आई वाला, जे के नीचे जे वाला, और के नीचे के वाला। फिर सेकंड वेक्टर के कॉफिशेंट लिखो, आई के नीचे आई वाला, जे के नीचे जे वाला, और के नीचे के वाला। इतनी बात पल्ले पड़ रही है, पक्की बात है। अच्छा अब सुनो, सबसे पहले क्या करो, आई निकालना है मेरे को, ठीक है जी। तो क्या लिख लूँ, प्लस आई कैप, प्लस मैंने इसलिए लिखा था कि याद रहेगी, हाँ प्लस लिखना है, तो क्या लिखूँ, प्लस आई कैप लिखना है। इतना काम कर लो। अब आई की वैल्यू निकालनी है तो इस रो को भूल जाओ, जब आई की वैल्यू निकालनी है तो आई वाले रो को भूल जाओ ऐसे, ठीक है। और आपको मूव करना है, देखो लेफ्ट टू राइट मूव करना है, और टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टॉप, बताता हूँ कैसे, सुनो। आई का कोफिशिएंट निकालना है तो इसे भूल जाओ, भूल गए। अब दो बचे हैं, जे और के बचे हैं, तो आप मूव करोगे लेफ्ट टू राइट। तो पहले क्या करोगे आप, टॉप टू बॉटम ए टू को बी थ्री से मल्टीप्लाई करो, ए टू को बी थ्री से मल्टीप्लाई करो, पहले टॉप टू बॉटम फिर बॉटम टू टॉप। तो ये क्या आएगा, ए टू बी थ्री, ए टू बी थ्री, टॉप टू बॉटम मल्टीप्लाई किया माइनस बॉटम से टॉप, तो क्या आएगा, बी टू ए थ्री, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। अब आई कंप्लीट हो गया, जब आई निकालना है आई को भूल जाओ, जे और के करना है, टॉप टू बॉटम माइनस बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम माइनस बॉटम टू टॉप, ठीक है। अब जे निकालना है, ये तो खत्म हो गया मेरे पास। अब जे के ऊपर क्या लिखा है, माइनस, तो जो लिखा है वो एज, देखो यहां था प्लस आई था, मैंने प्लस आई कॉपी कर लिया, यहां माइनस जे है तो मैंने माइनस जे कॉपी कर लिया। अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, भूल गए। अब टॉप टू बॉटम हमेशा लेफ्ट राइट मूव करना है, इसको तो भूल चुके हम लोग, तो अब दो ही है मेरे पास, आई और के है, तो टॉप टू बॉटम क्या आ रहा है, ए वन बी थ्री, ए वन बी थ्री, ठीक है। फिर बॉटम टू टॉप, चलना है लेफ्ट टू राइट ही है, बॉटम पहले टॉप टू बॉटम फिर बॉटम टू टॉप, माइनस क्या आएगा, बी वन ए थ्री। यहां तक कोई तकलीफ बच्चा, अब मैं इसे रब कर देता हूं, ठीक है बच्चा, मैं रिपीट कर दूं, टेंशन ना लो, ठीक है। अब थर्ड, ये जे वाली टर्म कंप्लीट होगी मेरे पास। अब के देखना है, तो क्या है, के में क्या लिखा, प्लस लिखा है, तो क्या लिख दूं मैं, यहां लिख रहा हूं मैं प्लस
के कैप, ठीक है। तो इसको भूल जाओ, भूल गए इसको, अब दो ही बचे आई और जे। तो क्या करेंगे, टॉप लेफ्ट राइट मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम, पहले टॉप टू बॉटम, तो क्या आएगा ए वन बी टू माइनस बॉटम से टॉप, तो बी वन ए टू। यहां तक कोई तकलीफ बच्चा? ठीक है, ये काम मेरा बन गया। तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू होगी। समझा देता हूं फिर से, देखो कुछ बच्चों को क्लियर नहीं हुआ होगा तो देख लो कैसे। पहला काम तो क्या है, आई जे के लिख लो और प्लस माइनस प्लस लिख दो ऑल्टरनेट में। पहले स्टार्ट करना है प्लस से, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ठीक है। फिर जो फर्स्ट वेक्टर है उसका आई के नीचे कोफिशिएंट लिखो, वो क्या है ए वन, जे वाला जे के नीचे और के वाला के नीचे। फिर सेकेंड वेक्टर के कोफिशिएंट लिखो, आई वाला आई के नीचे, जे वाला जे के नीचे और के वाला के नीचे, ठीक है। अब पहले आई को निकालना है, मान लो आई का कोफिशिएंट निकालना है मेरे को कि ए क्रॉस बी में आई का कोफिशिएंट क्या आएगा। तो वो कैसे करता हूँ, आई वाले को पहले नोट कर लिया क्या है, प्लस आई कैप। अब इसे भूल जाओ, भूल गए, जब इसको भूल गए दो बचेंगे, जे और के बचेंगे। हमेशा मूव करना है लेफ्ट टू राइट मूव करना है, ठीक है जी, मतलब जे से के जाना है। लेकिन पहला काम क्या होगा, टॉप से बॉटम जाएंगे, क्रॉस करना है, हमेशा क्रॉस बनेगा ऐसे, ठीक है, ये और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो पहले टॉप टू बॉटम यानी ए टू बी थ्री माइनस बॉटम, क्रॉस हो रहा है मेरे पास, माइनस बी टू ए थ्री। समझ में आया बच्चा? ठीक है, अब क्या करूं मैं इसमें, सुनो। अब जे निकालना है मेरे को, तो पहले उतार लो जे को, माइनस जे आ गया। अब जे को भूल जाओ, जे को भूल जाओ, क्या बचा अपने पास, आई बचा है और के बचा है। मूव करना है लेफ्ट टू राइट, आई से जे, आई से के जाना है मेरे को। लेकिन जाना कैसे है, पहले टॉप टू बॉटम गए, क्या लिखा, ए वन बी थ्री माइनस बॉटम टू टॉप यानी बी वन ए थ्री। ये कंप्लीट हो गया मेरे पास, समझ में आया बच्चा? अच्छा, अब सुनो, जे भी हो गया मेरे पास, अब ये के पे आएंगे हम लोग, के पे प्लस लिखा है तो प्लस के कैप लिख लिया। अब के को भूल जाऊं, चलना लेफ्ट टू राइट है, आई से जे जाना है, लेकिन पहले टॉप टू बॉटम जाएंगे, तो क्या आएगा, ए वन बी टू माइनस बॉटम टू टॉप यानी बी वन ए टू। आई होप ये तो कुछ कुछ तो क्लियर होगा, बाकी एक आधा एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं जिससे आपको क्लियरिटी बढ़ जाएगी, ठीक है बच्चा, देखते हैं। एग्जाम्पल लेकिन जाता हूँ बच्चा, देखो चलो देखते हैं। देखो अगर मैंने ले लिया a इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और b वेक्टर ले लिया मैंने टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस थ्री के कैप। अब मुझे क्या निकालना है, मान लो a क्रॉस b निकालना है, ठीक है, तो a क्रॉस b निकालना है। तुम्हारे स्टेप्स फॉलो करें हम लोग, इस एग्जांपल से क्लियरिटी आ जाएगी आपको। तो पहला काम क्या करना है, i कैप लिखो, j कैप लिखो, k कैप लिख दिया, लिख दिया बच्चा। फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, तो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, क्लियर है? अच्छा, पहला वेक्टर कौन सा है, a, तो a के कोफिशिएंट लिखो, i वाले j वाले और k वाले, i वाले i के नीचे, j वाले j के नीचे और k वाले k के नीचे। तो कोफिशिएंट क्या है इसमें, वन है, कुछ ना लिखा हो तो वन है, तो यहाँ वन आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, माइनस वन है, यहाँ पे क्या है, प्लस वन है, ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब b के कोफिशिएंट लिखो, i वाला i के नीचे लिखना है, j वाला j के नीचे और k के नीचे। i वाला क्या है, टू, j वाला क्या है, वन, k वाला क्या है, माइनस थ्री। इतनी बात समझ में आ गई बच्चा, देखो ध्यान से करते हैं आराम से। तो पहला स्टेप क्या है, i निकालना, तो पहले ये लिखो, तो क्या लिखेंगे, प्लस i कैप। इतनी बात समझ में आ गई, अब i को तो भूल जाओ, तो बच्चे क्या है, j और k, चलेंगे कहाँ से, लेफ्ट टू राइट, मतलब जे से के जाएंगे। एक बार जाएंगे कहाँ से, टॉप टू बॉटम, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, टॉप टू बॉटम मल्टीप्लाई किया तो माइनस वन इंटू माइनस थ्री, तो आंसर क्या आएगा, थ्री आ जाएगा। टॉप टू बॉटम माइनस बॉटम टू टॉप, तो वन इंटू वन क्या आएगा, वन। ये टॉप टू बॉटम की वैल्यू,
ये बॉटम टॉप की वैल्यू, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा अब आई कैप तो निकाल चुके हैं हम लोग, अब क्या निकालना है, ये निकालना है। तो क्या लिखूँ, माइनस जे कैप लिख लूँ। ठीक है बच्चा, माइनस जे कैप लिख लिया हम लोगों ने, यहाँ तक कोई तकलीफ। अच्छा अब जे को भूल जाओ तो बचेगा क्या, आई और के, जिसको निकालना है भूल जाओ, जे कैप भूल गए तो आई और के बचा। चलेंगे कहाँ से, लेफ्ट टू राइट, पहले चलेंगे लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। तो 1 × -3 इज -3, माइनस बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप, तो 2 × 1 क्या आएगा, 2 आ जाएगा मेरे पास। यहाँ तक कोई तकलीफ, ठीक है। अब ये हो गया मेरे पास, ठीक है बच्चा। अब बात करता हूँ किसकी, प्लस इसको ले आना, तो प्लस के कैप। अब इसको रब कर देते हैं हम लोग ताकि फील आए आपको थोड़ी सी। देखो अब के को भूल जाओ, जाना बचा क्या आई और जे, चलेंगे लेफ्ट टू राइट, तो टॉप टू बॉटम, 1 × 1 टॉप टू बॉटम माइनस बॉटम टू टॉप, 2 × -1 इज -2, तो क्या लिख दूं, -2 लिख दूं। यहां तक कोई तकलीफ बच्चा, पक्की बात है। तो ये क्या बन गया मेरे पास, 2i कैप, और ये क्या बन गया, -5, ये -5 है, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +5j कैप बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। और ये क्या है, 1 + 2 बन जाएगा 3, तो +3k कैप बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई बच्चा आपको, हाँ ना बोलो, ठीक है बच्चा। तो अगर मुझे निकालना हो क्या, बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं, इस मेथड से निकालते हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, कर लेना, ठीक है जी, लिख देता हूँ मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देखो अगर मान लो मुझे बी क्रॉस ए निकालना होता, जैसे मान लो बी क्रॉस ए निकालने बोलता, तो मैं क्या लिखता, आई कैप लिखता, जे कैप लिखता, के कैप लिखता, प्लस माइनस प्लस। तो पहले बी आ रहा है ना, तो पहले क्या लिखता मैं यहाँ पे, b1 b2 b3। सेकंड वेक्टर क्या है इसमें, a, तो a1 a2 और a3 मैं लिख देता इस पर, ठीक है। ऐसे सॉल्व, a क्रॉस b पूछा होता तो पहले मैं a1 a2 a3 लिखता, बाद में b1 b2 b3 लिखता, और b क्रॉस a पूछा है तो पहले b1 b2 b3, देन a1 a2 a3। तो कुछ क्वेश्चन ट्राई करो बच्चा, मैं देता हूँ करने के लिए, ठीक है। ए वेक्टर दे रखा है i कैप -j कैप -k कैप, बी वेक्टर दे रखा है -2i कैप -2j कैप -3k कैप। ए क्रॉस भी निकाल लो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ए वेक्टर दे रखा है आपको j कैप + 2k कैप, i मैंने दिया ही नहीं इसमें, ठीक है। और बी वेक्टर दे रखा है आपको i कैप + 3k कैप, ऐसे दे रखा है, इसमें मैंने जे नहीं दिया आपको। तो आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस भी निकालना है। अब तीसरा क्वेश्चन, मान लो ए वेक्टर दे रखा है मैंने i कैप + j कैप + k कैप, और बी वेक्टर दे रखा है आपको 2i कैप + 2j कैप + 2k कैप, इसमें भी आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस भी निकालना है। ये तीन प्रॉब्लम सॉल्व करो और सोल्यूशन भेज देना मेरे को, ठीक है बच्चा। चलो यहाँ तक कोई तकलीफ बच्चा, अब इसमें एक प्रॉपर्टी बची है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है बच्चा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।